प्लासी का युद्ध, आप लोग पढ़ते हो कि प्लासी का युद्ध, बार बार पढ़ते हैं नहीं, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, अगर उसको समझिएगा तो प्लासी युद्ध करना छोड़ दीजिएगा, युद्ध की जगह आप उसे सौदा कहिएगा। युद्ध नहीं हुआ था बल्कि प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं बल्कि एक सौदा था, बल्कि एक नाटक था। कैसे हम आपको समझाते हैं, ठीक है, आप लोग आज से कहिएगा कि नहीं प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं हुआ था, ये कैसे बताते हैं आप लोग प्लासी का युद्ध। प्लासी, एक मिनट जरा बड़ा बोल, प्लासी का युद्ध अभी फिलहाल लिख देता हूं युद्ध, मगर फिर आप कहिएगा कि युद्ध मत लिखिए सर, उसके अच्छा होगा सौदा लिख दीजिए, है ना। 23 जून, कब हुआ था प्लासी का युद्ध पता है लोगों? 23 जून 1757 को, है ना। अभी हम फिलहाल युद्ध लिखे पर अभी हम आप लोग लिख दिए ना, आप लोग खुद कहे कि आप सर युद्ध मत लिखिए, उससे अच्छा होगा सौदा लिख दीजिए। कैसे इससे समझे प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, समझे? तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला, और किसके बीच था, अंग्रेजों के बीच। अब देखिए कैसे एक सौदा होता है, युद्ध हुआ ही नहीं था बल्कि एक नाटक हुआ था, उस नाटक को देखते समझते हैं कैसे नाटक हुआ था। और सिराजुद्दौला का जो सैन्य प्रमुख था, जैसे भी सैन्य प्रमुख होते हैं ना, भारत का सैन्य प्रमुख ये है, तो सिराजुद्दौला का, ये बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसका जो सैन्य प्रमुख था वो मीर जाफर था, मीर जाफर। आप समझिए कैसे सौदा करेगा अंग्रेज, अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था आप लोगों को पता है प्लासी का युद्ध में? कलाई। तो कलाई अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व कर रहा है, और सिराजुद्दौला की तरफ से जो सैन्य प्रमुख है वो मीर जाफर। अब देखिए कैसे सौदा हो, युद्ध हुआ ही नहीं बल्कि सौदा हुआ, तो समझिए कैसे सौदा हो। पहले ये समझ, ये तो जानते हैं ना आप लोग कि प्लासी का युद्ध जो है उसका कारण क्या था, कारण आप लोग पता हुआ, कारण यह था कि सिराजुद्दौला के विरोधियों का संरक्षण अंग्रेजों ने यानी दे रहा था, ब्रिटिश सरकार ने सिराजुद्दौला के विरोधियों का संरक्षण दे रहा था, यह भी एक मुद्दा था कारण। दूसरा था कि अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला की अनुमति के बगैर वो कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी थी, और फिर सिराजुद्दौला गुस्से में है और इसके विरुद्ध कार्रवाई करना शुरू कर दिया, मतलब अब उसके विरुद्ध शुरू करेगा कार्रवाई। और जब दोनों की सेना इसी को लेकर दोनों की सेना युद्ध मैदान में आने लगी, तो कलाई उस समय यहाँ पे था, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, तो कलाई सोचा कि अब युद्ध तो होने वाला, अब युद्ध होके ही रहे, तो कलाई अब क्या करेगा, देखिए क्या नीति अपनाएगा, अब कलाई क्या करेगा सो समझिए। कलाई जो है समझ गया कलाई कि अब युद्ध होने वाला, दोनों पार्टी समझ गए, मतलब अंग्रेजों भी समझ गए और सिराजुद्दौला भी समझ गए, अब युद्ध तो होना ही है, युद्ध मैदान में तो अब उतरेंगे। कलायु जाता है मीर जाफर, कलायु ने सोचा कि शेर वाला दिमाग लगाते हैं, गेंडा वाला क्या दिमाग लगाना, शेर वाला लगाते, उसने सोचा कि युद्ध तो अब जाने ही हो ही रहा, और अंग्रेजों का पहली बार यहाँ बंगाल के नवाब थे वो भिड़ंत हो रही थी यानी टकराव हो रही थी। जब आया तो कलायु आया मीर जाफर के पास और कहा, मीर जाफर देखिए अब सौदा कैसे करेगा, कलायु आ रहा है किसके पास, मीर जाफर के पास, जबकि युद्ध करना है दोनों के, इसको और इसको युद्ध करना है, बस नवाब है इसका सैन्य प्रमुख है और इसको तरफ से औरंगजेब कलाई कर रहा है अंग्रेजों की तरफ से। कलाई उसके पास आकर कहा, मीर जाफर नवाब बनोगे क्या? मीर जाफर का क्या मजाक कर रहे हो कलाई, हम और नवाब, नवाब तो सिराजुद्दौला है। बोला फिन बोला बोलो ना बनोगे, फिन कहा कि मजाक मत कीजिए बैठिए, जो भी हुआ उनके बाद सब वार्तालाप हुआ। फिर मीर जाफर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को नवाब बनने में एतराज होगा क्या, नवाब कोई बनेगा तो बहुत अच्छी बात होगा, तो क्या हमें का बुरा लगेगा? कलाई का बस एक काम कर दो, हम तुम्हें नवाब बना दें, सौदा होना लगा। देखिए सौदा कैसे हो रहा है, कलाई ने कहा मीर जाफर से कि आप जान ही रहे कि हम लोग अब युद्ध मैदान में आने वाले, बस एक काम कीजिएगा आप कि जब हम युद्ध करने आएंगे, आप सैन्य प्रमुख ही है सिराजुद्दौला का, तो बस एक काम कीजिएगा
कि जब हम लोग युद्ध में मैदान में आएंगे सिराजुद्दौला और हम दोनों सामने आएंगे तो बस आप समझिए किससे डील करिंग कर रहा है, समझ रहे हैं डीलिंग किससे चल रहा है, सैन्य प्रमुख से डीलिंग कर रहा है कलाई। और सैन्य प्रमुख बहुत बड़ी होती है, जब तक वो सैन्य प्रमुख आदेश न दे, आज भी सैन्य प्रमुख है वो, जब तक आदेश न दे, इतना बड़ा युद्ध होगा जब तक आदेश न देंगे भारत के सिपाही किसी के दूसरे के सिपाही पर हमला करेंगे ही। तो सैन्य प्रमुख से डीलिंग कर रहा है वो कलाई, कलाई से मीर जाफर से बात की कि बस युद्ध मैदान में आप, जब हम लोग दोनों आएंगे युद्ध मैदान में तो आप अपनी सेना को हम पर हमला करने का आदेश न दीजिएगा, हम आपको सेना को मार देंगे और हम जीत जाएंगे, और जब जीत जाएंगे तो हम आपको नवाब बना देंगे, बंगाल का नवाब बन जाइएगा आप। कल मीर जाफर कहा कि ठीक है, तो कलाई कहा कि ठीक बस मेरे तरफ से डन। मीर जाफर ने भी कह दिया कि हम भी आपकी तरफ वफादारी सुनिश्चित कर दी, हम आपके जो कर रहे हैं अब हम लोग दोनों के बीच हो गई सौदा, सौदा हो रहा है ना, सौदा कर रहे हैं कि कलाई ए मीर जाफर आदेश नहीं देगा, युद्ध में हार जाएगा जानबूझ के, और कलाई उसके बदले में नवाब बनाएगा, तो सौदा हुआ ना। अब क्या हुआ सर समझ, ये तो सौदा हुई। कलाई फिर दिमाग लगाता है कि मान लीजिए किसी वजह से सिराजुद्दौला मीर जाफर हमें साथ कुछ अगर गलत कर दे तो एक और स्टेप लेता है। अब क्या करता है कलाई एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है, ठीक है, ऐसा पत्र लिखता है, लिख कौन रहा है कलाई, ठीक है समझिएगा, और ऐसा लिख रहा है जैसा लगेगा कोई पढ़ेगा तो कि मीर जाफर कलाई को लिख रहा है, यानी लिख कौन रहा है मीर जाफर कलाई, और कोई भी उस पत्र को पढ़ेगा तो लगेगा कि मीर जाफर ने कलायु को लिखा है। उसने लिखा कलायु हमारे तरफ से आप वफादारी हम आपको प्रति सुनिश्चित कर दिए हैं, हम युद्ध मैदान में अपनी सेना को आप पर हमला करने के लिए आदेश नहीं देंगे। और उस लेटर को, उस पत्र को कलायु ने सिराजुद्दौला रह रहा था उस क्षेत्र में जाकर फेंक दिया, उस स्थान में फेंक दिया। और सिराजुद्दौला जब जा रहा था सुबह तो उसे उस पत्र को मिला, उसे गिरा हुआ, तो पढ़ा उसे तो पढ़ के लगा गया कि मीर जाफर ने लिखा, लिखा कौन था कलाई, उसे पढ़ के लगा कि मीर जाफर हमारे जो सैन्य प्रमुख है वो हमारे विरोधी से मिल गया है, तब तो हमारी हार तय है क्योंकि सैन्य प्रमुख से मिल गया, ये आदेश नहीं देगा तो हम तो इसलिए हार गए। अब सिराजुद्दौला को पैर तले जमील खिसक गई और वो युद्ध मैदान में जाता है, युद्ध होता ही नहीं, सिराजुद्दौला भाग जाता है, तो जान गया कि मीर जाफर मिला हुआ है तो भाग जाता, युद्ध हुआ नहीं, गोलीबारी हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस सिराजुद्दौला गया युद्ध मैदान में और निकल गया, तो युद्ध हुआ, सौदा हुआ ना। तो पलासी का युद्ध हम जो बोल रहे थे युद्ध नहीं बल्कि सौदा है, तो अब युद्ध को क्या आप कहिएगा बताइए, सौदा कह सकते हैं क्या, बोलिए यहाँ कहेंगे तो युद्ध हुआ ही नहीं, अब कहिएगा कहा कि पलासी का युद्ध एक सौदा था, किसके किसके बीच, कलाई और मीर जाफर के बीच, पलासी का युद्ध एक सौदा था, पलासी का युद्ध एक नाटक था, नाटक कैसे, तो नाटक ही तो है, कलाई उस नाटक का लिख रहा है, उस नाटक को बता रहा है, कलाई जो है उस नाटक को बता रहा है, ठीक है, नाटक हम कैसे कह सकते हैं, तो कलाई और मीर जाफर के बीच नाटक तो हुआ, एक तो नाटके तो किए, एक रंगमंच ही तो किए, एक तरह से एक्टर ही हो गया, डायरेक्टर ही हो गया ना, डायरेक्टर ही हो गया और ही एक्टर हो गया, इसने स्क्रिप्ट लिखा, उस स्क्रिप्ट को इसने पर्दे पर उतार दिया, तो प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं बल्कि एक सौदा था, एक नाटक था, यह युद्ध नहीं बल्कि किसी क्रिकेट मैच की तरह पहले ही फिक्स था, तो यह युद्ध नहीं बल्कि एक नाटक था, एक सौदा था। तो आप लोग युद्ध युद्ध कहते हैं ना, आपसे कहिएगा कि प्लासी युद्ध हुआ ही नहीं था, सौदा हुआ था, कलाई और मीर जाफर के, ऐसे पढ़िए, ठीक है।